अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पता है कि फैट लॉस वेट लॉस करने के लिए कैलोरिक डिफिसिट इज द ओनली वे और बाकी जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में मिथ्स चले आ रहे हैं, मिसकंसेप्शंस चले आ रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको फैट लॉस वेट लॉस से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, आपको लगता है कि कैलोरिक डिफिसिट में होने के बाद भी आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कवर करने वाले हैं जो आपके फैट लॉस प्रोसेस को स्लो डाउन कर रही हैं या उसे रोक रही हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कौशल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। राइट नाउ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई वर्कआउट कर रहे हैं या उनकी मॉम ने उन्हें कोई देसी तरीका बताया है, कोई होममेड रेसिपी बताई है जिससे फैट लॉस हो जाएगा। और इनमें से बहुत सारी अप्रोच ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फैट लॉस को लेके, वेट लॉस को लेके बहुत सारी ऐसे मेथड्स भी लोग यूज कर रहे हैं विच आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो गलतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन गलतियां आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉलोइंग सर्टन डाइट प्लान्स। सी, आई एम वेरी हैप्पी अगर आप कोई एक सर्टन डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं टू अचीव योर गोल्स, लेकिन वो प्लान कस्टमाइज होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज कि आप किसी सेलिब्रिटी का या अपने फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर का डाइट प्लान यू का यू खुद के लिए कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बॉडी स्टार्ट्स और आपके बॉडी स्टार्ट्स, उनके गोल्स और आपके गोल्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। और जितना एफर्ट, जितना टाइम, जिस तरह की डाइट, जिस तरह का वर्कआउट अपना गोल अचीव करने के लिए उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, आई वुड से कि उसका 100% श्योरिटी नहीं है कि वही सेम प्लान्स आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। आजकल के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आपके कोचेस हैं, वो बहुत सारी फैंसी डाइट्स आपको फॉलो करवाते हैं, जबकि फैट लॉस वेट लॉस का सिंपल सा फंडा है कैलोरिक डिफिसिट। कीटो, आईएफ, आयुर्वेदिक, डिटॉक्स डाइट्स, ये बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है आउट ऑफ ऑल द फैंसी डाइट्स जो आजकल हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में चल रही हैं। नेक्स्ट गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं ड्यूरिंग देयर फैट लॉस वेट लॉस प्रोसेस, वो होता है स्पॉट रिडक्शन। मैं ये पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि स्पॉट रिडक्शन साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग 100, 200, 300, 1000 क्रंचेस करते रहते हैं एवरी डे ऑफ द वीक, थिंकिंग के क्रंचेस करने से उनका बेली फैट मेल्ट हो जाएगा एंड दे विल गेट श्रेडेड और उनकी एब्स प्रोमिनेंटली विजिबल होंगी। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ और स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपना फेस फैट कम करना है, आपको बेली फैट कम करना है, आपको अपना आर्म फैट कम करना है, तो आपको अपना ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर इन अ कैलोरिक डिफिसिट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैट बर्नर सप्लीमेंट्स के बारे में। आई वुड से सप्लीमेंट्स के वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिसलीडिंग सप्लीमेंट फैट बर्नर्स ही होते हैं। मैं स्क्रीन पे बहुत सारी स्टडीज के स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूंगा विच प्रूव के फैट बर्नर्स आर यूजलेस एंड दे डोंट हेल्प यू इन एनी वे टू बर्न योर फैट और लूज योर वेट। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर्स उसका प्रमोशन करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं कि ये फैट बर्नर सप्लीमेंट लेने से आपका बेली फैट मेल्ट हो जाएगा, आपका फेस फैट नहीं रहेगा, तो आप भी उन फैट बर्नर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं उन पे, और जब आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता तब भी आप खुद को ही ब्लेम करते हैं कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी ड्यूरिंग माय फैट लॉस प्रोसेस जिसकी वजह से फैट बर्नर्स काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आज तक ना तो फैट बर्नर्स यूज किए हैं, ना ही उसे अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे प्रमोट किया है, और ना ही मैं ऐसा आगे करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ईटिंग इन टू मच डेफिसिट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है और फैट लॉस करने के लिए आपको डेफिसिट में रहना पड़ेगा, मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खानी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपना फैट लॉस वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप एकदम से अपनी कैलोरीज को 1800-1700 से ही स्टार्ट करते हैं। दैट क्रिएट्स अ डेफिसिट ऑफ अराउंड 700-800 कैलोरीज। लेकिन इज दिस अ गुड अप्रोच? एब्सोल्युटली नॉट। कोशिश करें कि आप एक बहुत ही छोटे डेफिसिट से अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो अगर आप उसे 1700-1800 कैलोरीज देना स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेगी कि 1700-1800 कैलोरीज विल बी इनफ फॉर यू। और स्टार्टिंग में तो आपका अच्छा वेट लॉस होगा, लेकिन आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम आपका वेट लॉस होना रुक जाएगा, क्योंकि योर मेटाबॉलिज्म हैज स्लोड डाउन और वो इतना ज़्यादा स्लो हो चुका है कि वो 1700-1800 पे भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो इसको समराइज करने के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी मेंटेनेंस 2500 है, 2300 से स्टार्ट करिए, 200 के डेफिसिट से स्टार्ट करिए। अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, देन वेल एंड गुड, कंटिन्यू ऑन द 2300। अगर नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके अपना कार्डियो बढ़ाएं या फिर 100 कैलोरीज और कम करके देखें, फिर अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दें, 2200 कैलोरीज पे कंटिन्यू करें। 300 का डेफिसिट इज मोर देन एनफ टू सी रिजल्ट्स। अगर फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, देन आई वुड से कैलोरीज इन आर ऑन पॉइंट, 300 का डेफिसिट इज इनफ।
लेकिन द कैलोरीज यू आर बर्निंग दे माइट नॉट बी सफिशियंट फॉर यू टू बर्न फैट. तो इस पॉइंट पे आके आपको अपनी कैलोरीज बर्न करने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. किसी भी तरह का कार्डियो आप कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज विल बी गुड फॉर यू. नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी ईटिंग आफ्टर 7 PM, 8 PM, 9 PM और 10 PM. जैसा कि मैं पिछली वीडियोज में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि टाइमिंग ऑफ योर मील डजंट मैटर बट द कैलोरीज यू कंज्यूम मैटर्स अलॉट. इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि लेट्स से अगर आपको रात को 2 बजे भी भूख लग रही है आप खाना खा सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर इन अ कैलोरिक डेफिसिट. क्योंकि आपके फिटनेस यूट्यूबर्स कहते हैं कि 7-8-9 बजे के बाद कार्ब्स खाने से या कुछ भी खाने से आपका वेट बढ़ेगा. लेकिन अगर इसी सेम चीज को हम दूसरी तरह से देखें तो लेट्स से अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट और लंच कुछ ज़्यादा ही हैवी कर लिया, लेट्स से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 थी और आप ऑलरेडी 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर चुके हैं एंड योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, और लंच आपने कर लिया था लेट्स से 1 बजे, तो अगर अब आपको 4 बजे या 3 बजे भी भूख लगती है तो क्योंकि आप 2000 कैलोरीज ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके थे एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी इन अ सरप्लस कुछ भी ज़्यादा खाने से, तो इसका मतलब दिन के 3-4 बजे खाने से भी आपका वेट बढ़ रहा है. और इसी चीज़ को अगर हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेट्स से अगेन आपकी मेंटेनेंस 2000 है और आपने रात के 9 बजे तक बस 1400 कैलोरीज ही कंज्यूम की हैं, तो आपके पास अभी भी 600 कैलोरीज का एक विंडो है कि आप अपना जो मील रख सकते हैं दैट कैन बी ऑफ 600 कैलोरीज जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा, यू विल बी ऑन योर मेंटेनेंस कैलोरीज. और अगर आप वो 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद भी खाएंगे तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था. दीज कैन बी द मेन फैट लॉस मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग जिससे आपकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो चुकी है या रुक चुकी है. और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, लाइक द वीडियो अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज मिली हो, कमेंट ऑन द वीडियो टू हेल्प द चैनल विद द एल्गोरिथम एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. दिस इज कौशल साइनिंग ऑफ.